एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तू मुझसे कितना प्यार करती है? 10 किलो। 10 किलो? ऐसा बुढ़ाव सुन लेगा? अरे सुनने दे बुढ़ाव को। प्यार किया तो डरना हो क्या? अरे बात बता, तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? क्योंकि तू गाता बहुत अच्छा है। तू मेरा किशोर कुमार है, शब्बीर कुमार है, हेमंत कुमार है। तो तानसेन के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अरे मर गया तानसेन अकबर के साथ। इस बैजूबाला के बारे में क्या ख्याल है तेरा? अच्छी पिक्चर थी, लगी थी शीला थिएटर में। अबे ओ भूतनी के, राम कटोरी जी, तेरे को गाना पसंद है? खाना नहीं मालिक, हमका खाना नहीं, गाना। गाना हमका पसंद है मालिक। तो एक काम कर, ये टनी का क्या गाएगा? अच्छा, इसका और मेरा मुकाबला कर। जो जीतेगा उसके गले में तू वरमाला पहना देना। बोल मंजूर है? हाँ मालिक, मंजूर है हमका। मंजूर है? तेरा वो मंजूर है? हाँ मंजूर है। ललिता सर, सर हाय। और इसके साथ वापस ले लिया। थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर साहब, ऐसा लगता है आपने ललिता पे जादू कर दिया है। आपके बगैर तो ऐसे उदास हो गई थी जैसे उसका कोई खजाना खो गया हो। जाहिर है बाप के बगैर बेटी का यही हाल होगा। हमारा तो इससे भी बुरा हाल था। अब हम इसे खूब पढ़ाएंगे और दहेज में इसके ससुर को डिग्री देंगे, तो उन्होंने शर्त रखी है। साहब हमारा पैसा आए, ये लो तुम्हारा किराया। कितने रुपए? 20 रुपए साहब। ये 20 रुपए नहीं है, 20 लाख है। हाँ? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मतलब पढ़ाई का नहीं, पढ़ाई के बाहर का। हाँ जरूर पूछो। सर आपकी शादी हो चुकी है? हाँ हो चुकी है। तो फिर आपकी पत्नी कहाँ है? यहाँ रहती है। ये तो दिल है, कोई घर थोड़ी है जो आपकी पत्नी यहाँ रहती है। अरे घर में तो सभी रहते हैं, लेकिन पत्नी जो महान होती है वो दिल को घर बनाकर वहां रहती। राइट सर, तुम भी अगर पास हो गई और मेरी नजरों में महान बन गई तो तुम्हारी जगह भी इसी घर में होगी। सर आपके बच्चे कितने हैं? अरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी, और जो मेरी बेटी से शादी करेगा मेरा दामाद, तो मेरा बेटा ही हुआ ना। आपकी बेटी का नाम? ललिता। आपके दामाद का नाम मैं बता सकती हूँ सर, एक बड़ा ही नालायक अकड़ किस्म का लड़का है। एक बार क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर अपने प्रोफेसर की तस्वीर बनाने जा रहा था तो खुद की तस्वीर बना बैठा। यू स्टूपिड इडियट, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अपने होने वाले पति को घड़ा बोलती है। संभाल कर प्रोफेसर साहब, आईना देख लीजिए, बालों में सफेदी आ चुकी है। अरे ये बुढ़ापे की सफेदी नहीं, ये तो मोहब्बत की चांदी है जो दिल से उछल उछल कर बालों के जंगल में अटक कर रह गई है। कभी मौका मिले तो इस दिल के ज्वालामुखी में झांक कर तो देखो। क्या लेट आई तो इतना गुस्सा, मुझे छोड़ के जाने लगे। हट जाओ ललिता। मगर हुआ क्या, कुछ बता तो सही। मुझसे सवाल मत पूछो, अगर हिम्मत है तो जाकर अपनी माँ से पूछो।
भाई साहब, छोकरी के चक्कर में तुम हमारा भाड़ा भी भूल गया। थोड़ी देर में आता हूँ, तुझे टिप दे दूंगा। हाय ललिता, मुंह फिरा कर चला गया ना। ललिता ओल्ड स्कूल, जो नया है वो बेवफा जैसे रवि। कम ऑन ललिता, अभी भी वक्त है, मेरा हाथ थाम लो, जिंदगी पर ऐश कराऊंगा मेरी जान। वाह क्या इंडियन नारी है, वाह वाह वाह। तुम तो बड़े स्टाइल से इश्क करने जा रहे थे, लेकिन उसने दूसरे स्टाइल से कितनी जोर से तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा कि तुमको तो दिन में तारे नजर आ गए होंगे। तुमको क्या लेना है? अरे गुस्सा थूक दे, मुझे तुझसे कुछ लेना नहीं है, चाहे तुझे कुछ देना ही होगा। लड़की है कौन? तेरी नानी लगती है, कमाल है शहर की सबसे दौलतमंद बेवा लक्ष्मी देवी की बेटी। लक्ष्मी की बेटी है? हाँ, और इसकी शादी मेरे सबसे बड़े दुश्मन रवि के साथ होने वाली है। बिग प्रॉब्लम, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अगर ये शादी हो गई तो सारी दौलत उस लड़के की हो जाएगी और मैं सड़क पर। क्या बात है, तुमको ज्यादा जज्बाती हो रहे हो बेटा। तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देखी? देखा नहीं, सिर्फ सुना है। बेटे मैंने देखा भी है और सुना भी है, ये लड़की हीरे का अंडा देने वाली है। तुझे कैसे मालूम? तुम्हें लड़की से मतलब आम खाने से? मुझे तो हर हाल में ये लड़की चाहिए। और मुझे हर हाल में आम चाहिए, यानी के दौलत। देखो बेटा, तुम्हें ये लड़की मिल जाएगी और मुझे बड़े बड़े आम। मंजूर है? इस शुभ काम में हाथ मिला ही लेते हैं। हट जा ललिता, मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं, आज तो रास्ता नहीं छोड़ूंगी और उस वक्त नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम नहीं बता देते कि बात क्या है, तुम किस वजह से नाराज हो। जाओ ललिता, मेरी जबान मत खुलवाओ। आज जबान खोले बगैर तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। हिम्मत है तो सुनो ललिता, तुम एक पतचलन और पत्कार माँ की बेटी हो। शराफत का ढोंग करने वाली एक अय्या शरद की बेटी हो तुम। तुम्हारी विधवा माँ प्रोफेसर विजय चौधरी की बाहों में बुरी तरह से लिपटी हुई थी। मेरी देवी जैसी माँ के लिए गंदे शब्द तुम्हारी जुबान पर आए कैसे? मेरी माँ को गाली देते हो? आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आई हेट यू, आई हेट यू। हेट हिम, हेट हिम, नो प्रॉब्लम। लौंडिया हिट है, अपलू फिट है। मम्मी मैंने कह दिया है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ललिता ये क्या पागलपन है? शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और तुम कह रहे हो कि शादी नहीं करूंगी, मजाक है क्या? मैं ये शादी किसी हालत में नहीं करूंगी। रवि ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा किसी ने। ललिता तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। तूने आज तक अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपाई, आज भी मत छुपाओ। बता बात क्या है? नहीं बता सकती माँ, नहीं बता सकती। जिस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी उसे तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? मम्मी मैं रवि को कभी माफ नहीं करूंगी। देख बेटी, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहां लड़ाई झगड़े गलतफहमी होती है, और गलतफहमी बहुत बुरी चिंगारी है, उसे पहले दिन ही बुझा देना चाहिए, वरना कभी कभी ये चिंगारी बसे बसाए घर को जलाकर खा कर देती है। खैर तू फिक्र मत कर, मैं रवि से बात करूंगी। नहीं माँ, तुम रवि से नहीं बात करोगी। अगर तुम मेरी माँ हो, तुम्हें अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है, तो उससे कोई बात नहीं करोगी। मम्मी मैं रवि को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। प्रोफेसर चौधरी, बहुत जब्त करने के बाद मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि आज शाम सूरज डूबने से पहले ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना इस लोहे की सलाख से मार मार कर मैं तुम्हें ये दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर दूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे मेरे स्टूडेंट की तरफ से ये इनाम किस खुशी में दिया जा रहा है? तुम्हारी असलियत के बदले। क्या? तुम्हारे काले कारनामों के बदले। क्या कह रहे तुम? अपने इस भोले चेहरे से तुमने बहुतों को बहुत दिलों तक बेवकूफ बनाया, मगर तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ शैतान
मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ प्रोफेसर। रवि चिल्लो मत। तुम लोगों को तो शराफत का सबक सिखाते हो लेकिन खुद खुद पापी हो, एक गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें ललिता की विधवा माँ के साथ प्यार का गंदा और घिनौना नाटक करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। है कोई जवाब तुम्हारे पास? जवाब तो ऐसा है, अगर दूंगा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी, लेकिन इस वक्त खामोशी बेहतर है। कभी ना कभी मेरे बदले वक्त खुद तुम्हें जवाब देगा। वक्त जवाब दे ना दे, मगर मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि आज के बाद तुम इस शहर में नजर नहीं आओगे। अच्छी बात, तुम्हारी चेतावनी का बहुत बहुत शुक्रिया।